जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के हत्यारे हाय हाय, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के हत्यारे हाय हाय, भाजपा सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल करो, बहाल करो, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल करो, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल करो, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल करो, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के हत्यारे मुर्दा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के हत्यारे हाय हाय, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार हाय हाय, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। देखिए जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है, पिछले 5 वर्षों से जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी रूल चलाया जा रहा है। 2018 में असेंबली जम्मू कश्मीर में भंग हुई और तब से इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और लोगों को बाहर से लाए हुए बाबू लोगों के हवाले कर दिया है। यूपी से अधिकारियों को अपने चहेतों को लाकर जम्मू कश्मीर उनके हवाले किया, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से लोकल लोगों को जमहूरी अधिकारों से वंचित किया हुआ है। जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न। जमहूरियत हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि यहाँ चुनाव फौरी तौर पर कराए जाने चाहिए, जहाँ भी असेंबली भंग हो 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ चुनाव होने चाहिए, और इसी तरीके से संविधान ये कहता है कि चुनाव की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव करवा रही है, अपने वक्त के ऊपर करवा रही है, क्योंकि उनको चाहिए मेंबर पार्लियामेंट, जिससे उनकी एक बार फिर से दिल्ली में हुकूमत बन सके। जम्मू कश्मीर में उनकी हुकूमत नहीं बन सकती है, इसलिए वो ये दबाव बना रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनावों को टाला जाए। असेंबली के चुनाव से लोगों को महरूम रखना गैर आइनी है, गैर संवैधानिक है, और हमारे मौलिक अधिकारों का बहुत बड़ा हनन हो रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जम्मू कश्मीर के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, अपने पाँव तले मौजूदा निजाम द्वारा रौंदा जा रहा है, कोई सुनवाई लोगों की नहीं हो रही। बिजली की समस्या लोगों को है, पानी की समस्या लोगों को है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, और कोई भी मसला लोगों का हल नहीं हो रहा है। जो बाबू लोग हैं उनका लोगों के साथ कोई भी किसी भी किस्म का कनेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, और इस संदर्भ में बार बार हमने मेमोरेंडम भी दिए हैं और मजबूर होकर एक प्रदर्शन भी हमको यहाँ करना पड़ रहा है कि जल्द से जल्द जिस तरीके से मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन है, वैसे ही असेंबली की इलेक्शंस जम्मू कश्मीर के अंदर करवाई जाएं, और लोगों को अपने अधिकार जो संविधान ने उनको दिए हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिए हुए हैं, वो अधिकार उनको प्राप्त हो सकें। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दबाकर, डराकर, धमकाकर शासन कर रही है, वो लोगों को किसी भी कीमत पर गवारा नहीं है, और इसीलिए दिल्ली में आकर हम अपनी बात जो है अपनी गुहार लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से गुहार लगा रहे हैं, और राष्ट्रपति महोदय से ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी अपने अधिकारों से वंचित मत कीजिए, उनको अपने अधिकार मिलने चाहिए, और इसीलिए आज हमारा ये प्रदर्शन यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाहर। लोकसभा के चुनाव के लिए कहा है कि लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके लिए तैयारी की जा रही है। लोकसभा के चुनाव जो हैं अच्छी बात है, लेकिन असेंबली के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर लोकसभा के चुनाव के लिए माहौल ठीक है तो असेंबली के लिए क्यों नहीं है? आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आप किसी न किसी तरीके से दिल्ली में सरकार में बने रहें, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो असेंबली चुनाव हैं, जिस तरीके से लोगों को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, और एक प्रॉक्सी रूल, जम्मू कश्मीर ऐसी रियासत नहीं है जिसको रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सके, प्रॉक्सी से चलाया जा सके, इसलिए ये यहाँ आज यहाँ प्रदर्शन। आप लोग कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो गया, लेकिन वहाँ कई चुनाव तो वहाँ पर हुए हैं। देखिए पीछे इन्होंने म्यूनसिपैलिटी के चुनाव को भी जो है वो टाल दिया, पंचायत के चुनाव को भी टाल दिया। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि वहाँ कोई भी चुनाव हो, ताकि ये अपने लोगों को यहाँ से भेजकर, यूपी से, बिहार से, दिल्ली से भेजकर, वो जो निज़ाम है उसको अपने कंट्रोल में रखें। इनके हाथों में ही निज़ाम रहना चाहिए,
ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, इसलिए चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। और बगैर चुनाव के जब हुकूमत भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है तो वो सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसे ही चलाते जाओ, पहले हमारी स्टेट छीन ली, अब हमें जमहूरी अधिकार से वंचित रख लिया, जो नाकाबिले बर्दाश्त। एक अहम